मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। शिवराज ने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनकी जो भी भूमिका तय करेगा वह उसका निर्वहन करेंगे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद मंगलवार को पहली बार दिल्ली पहुंचे चौहान ने नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात एक घंटे से भी अधिक समय तक चली। हुकुमचंद मिल मजदूरों की बकाया 218 करोड़ रुपए की बकाया राशि के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने इस केस की फाइल पर भी हस्ताक्षर कर दिए। अब जल्द ही मजदूरों को वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से मजदूरों को राशि का वितरण किया जाएगा। इसे लेके मजदूर परिवारों में खुशी की लहर है। रतलाम उज्जैन होकर चलने वाली भोपाल दाहोद भोपाल एक्सप्रेस समेत 27 दिसंबर से 6 जनवरी तक की 34 एक्सप्रेस ट्रेनों को रेलवे ने निरस्त कर दिया है, जबकि इसी दौरान दो अन्य ट्रेनों को मार्ग बदलकर चलाया जाएगा। इनमें 30 दिसंबर व 1 जनवरी को जयपुर कर्नूल सिटी जयपुर एक्सप्रेस है जो वाया सवाई माधोपुर और साकुरिया बिना भोपाल होकर चलेगी। कोरोना ने एक बार फिर देश में दस्तक दे दी है। केरल में 325 नए मरीज मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में कोविड गाइडलाइन तुरंत लागू कर दी गई है। सभी लोग दिशा निर्देश का पालन करें ताकि कोविड को फैलने से रोका जा सके। प्रदेश की 17 कृषि उपज मंडियों में कम आवक होने की वजह से विधानसभा चुनाव बताए जाने पर राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडी सचिवों से नाराजगी जताई। मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक ने कहा कि मंडी में अनाज की कम आवक की विस्तृत समीक्षा कर रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव तो पूरे प्रदेश में थे तो बाकी मंडियों में आवक क्यों अधिक रही। उधर मंडियों की आमदनी घटने के पीछे एक वजह राज्य सरकार द्वारा मंडी शुल्क में की जाने वाली कटौती को भी बताया जा रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।